अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अमार असलम। आज अमार मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से एक मरतबा फिर आज की मेडिकल अपॉइंटमेंट के हवाले से आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा जो बेसिक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर के हम FAQs को या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं उनके हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, दैट इज़ अ सब्जेक्ट जो आजकल बड़ा बर्निंग इशू है, और ये इशू है कोरोना वायरस के बारे में। और हम सब जानते हैं, हमें TV के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन हासिल है कि जनाब ये वुहान प्रोविंस जो है चाइना के अंदर, वहाँ पर आजकल ये एक अनफॉर्चुनेटली बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग जो इस वायरस से और इस इन्फेक्शन से मुतासर हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली वो अपनी जो है इस मामले में दे हैड अ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड ट्रेजिक एंड मेनी पेशेंट्स डाइड फ्रॉम दिस इलनेस। कोरोना वायरसेस हैं बेसिकली, ये एक वायरस नहीं है, बहुत से वायरसेस हैं। नॉर्मली जो ज़्यादातर स्पीशीज़ हैं कोरोना वायरसेस की, वो इतनी ख़तरनाक भी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी इकसाम हैं जो कि यानी अपना SARS इन्फेक्शन या MERS, जिसे मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से भी कहा जाता है, जो कि गालिबन आई थिंक सऊदी अरेबिया में 2002 या 2003 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस वक्त ये आउटब्रेक हुआ था और उससे बहुत से पेशेंट्स की डेथ भी हुई थी। तो करोना वायरसेस की चंद इकसाम ऐसी हैं जो कि पेशेंट्स को SARS या MERS जो हैं उसकी तरफ लेके जा सकते हैं, जो कि यकीनन फेटल हो सकती हैं। बिलमूम करोना वायरसेस जो हैं ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स करती हैं, सांस लेने की जो तकलीफ़ है उसमें मरीज़ को मुब्तला करती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की तरफ पेशेंट को लेके जाती है। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये एक वायरस नहीं है, इस फैमिली के अंदर बेशुमार वायरसेस हैं, और एक कसीर तादाद जो है वायरसेस की वो इतनी डेंजरस या फेटल नहीं है। हमें यहाँ पे जो चीज़ एक पूछी गई वो ये थी कि जनाब इसमें बुनियादी तौर पे यानी एहतियाती तदाबीर इन जनरल हम क्या अपना सकते हैं। एहतियाती तदाबीर इसके अंदर एग्जैक्टली वही हैं जो आप फ्लू को अवॉइड करने के लिए अपनाते हैं, यानी किसी भी वायरल इन्फेक्शन की हवाले से ख़ुद के बचाव में आप बड़ी अच्छी हैंड हाइजीन मेंटेन करते हैं, बड़ी अच्छी रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करते हैं, और अपनी पर्सनल हाइजीन को जितना अच्छा रख सकें उतना रखते हैं। बुनियादी तौर पर करोना वायरस जो है ये अफेक्ट भी मैमल्स को और बर्ड्स को करता है। तो एक तजवीज़ इसमें ये भी है कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड या मार्केट प्लेसेस के अंदर जिन दिनों में ये मामला पेचीदा हुआ हुआ है और बड़ा हुआ है, तो उससे जाने से अवॉइड कीजिए। और बिलखसूस तजवीज़ ये होगी कि जो बर्ड मार्केट्स हैं, यानी कि जहाँ पे परिंदों की ख़रीदो फरोख्त होती है, और बच्चों को कई दफ़ा बड़ा शौक़ होता है, कई बड़ों को भी शौक़ होता है टू गो टू द बर्ड मार्केट एंड परचेज स्पेशल काइंड्स ऑफ बर्ड्स लाइक पिजन्स एंड फेजेंट्स एंड पैरट्स एंड स्पैरोज, तो उन मार्केट प्लेसेस में जहाँ पे के बर्ड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हों वहाँ पे भी जाने से इज्तनाब कीजिए। बुनियादी तौर पे इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो कुछ इसी तरह से हैं। इसके साथ हमें यहाँ पर किसी ने पूछा है कि जनाब WHO की क्या रिकमेंडेशंस हैं एहतियाती तदाबीर के हवाले से। ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, आपने अपनी दिन में बार बार या फ्रीक्वेंटली अपने हाथों को जो है वो अपना सोप और वाटर के साथ वॉश कीजिए, और इसके साथ साथ आप अल्कोहल बेस्ड रब, उससे भी हाथों की सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप यानी अपना छींक मार रहे हो, व्हेन यू आर स्नीजिंग और कफिंग, टू मेक श्योर दैट यू हैव अ टिश्यू पेपर व्हिच इज़ प्रोटेक्टिंग द लिक्विड टू यू नो
पास ऑन टू समबडी एल्स, और उसके बाद उस टिश्यू पेपर को प्रॉपरली हाइजेनिकली डिस्पोज ऑफ करना, वो भी उस अमल का हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो अहम चीज़ है वो ये है कि जनाब आप जिस तरह मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया था कि मार्केट प्लेसेस पे जाने से इज्तनाब कीजिए, और बिलखसूस अगर आपको या आपके इल्म में ये चीज़ आती है कि जनाब किसी शख्स को फ्लू या कोई भी रेस्पिरेटरी इशू है, तो उनके साथ अननेसेसरीली कॉन्टैक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। मीट और एग्स को जब आप इस्तेमाल करें तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो बहुत प्रॉपरली कुक्ड हों, रॉ ना हों। और इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप कोशिश कीजिए कि फार्म और वाइल्ड एनिमल से भी इज्तनाब करें, दूर रहें, अवॉइड कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द डेड और अलाइव फार्म एनिमल्स एज वेल एज वाइल्ड एनिमल्स, इनसे भी दूरी जो है वो अपनी इख्तियार कीजिए। और साथ में हमें यहाँ पे पूछा गया कि जनाब सिम्टम्स जो हैं बुनियादी तौर पे कोरोना वायरसेस जो हैं इनके तमाम के तमाम यानी अलामात जो आएंगी अगर कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो रहा है, तो जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि नॉर्मली फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, सोर थ्रोट होगी, गला ख़राब होगा, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होंगे और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, साथ में बुखार भी हो सकता है। सो बुखार का होना, फ्लू लाइक सिम्टम्स का होना, गला ख़राब होना, सांस लेने में दिक्कत आना, ये वो कॉमन सिम्टम्स हैं या प्रेजेंटेशंस हैं जो कि हम देख सकते हैं इस हवाले से। ये जो नई स्ट्रेन है यानी कि नई नस्ल है, फैमिली है ऑफ कोरोना वायरस, ये नावल कोरोना वायरस के नाम से यानी मुतारिफ हुई है, इसके बारे में कहा ये जा रहा है कि जनाब क्या ये हतमी चीज़ है कि ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है? नहीं, लेकिन ऐसा ज़रूर देखा गया है कि जहाँ पे आउटब्रेक हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों में, जिस तरह वुहान के अंदर अगर ये प्रॉब्लम आई है उनके उस सूबे के अंदर, तो वहाँ पे बहुत से लोग मुतासर हो रहे हैं। सो पर्सन टू पर्सन हो सकता है, लेकिन इसका अभी कोई हतमी यानी इसकी इस मामले की तस्दीक नहीं हो सकी कि जनाब इसकी एग्जैक्ट सोर्स क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कॉज ऑफ़ दी इलनेस क्या है, किस तरीके से ये बीमारी पेशरफ्त करती है। और एक चीज़ ये भी मैं आपके गोशे गुजार करता चलूँ कि बहुत सी डेथ्स जो हुई हैं उनमें एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि बहुत सारी डेथ्स जो जिन पेशेंट्स में हुई हैं उनके अंदर अंडरलाइंग और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, यानी कि ये भी देखा जा रहा है कि उनमें से बहुत से पेशेंट्स कई कैंसर पेशेंट्स थे। कई पेशेंट्स के बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो जनाब उनके अंदर कोई इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर था, यानी उनकी कुव्वत मुदाफियत जो है वो भी किसी बीमारी की वजह से मुतासर हुई भी थी। सो लिहाजा इसके बारे में अभी कोई हतमी राय कायम नहीं हो सकी, लेकिन यकीनन इसकी सोर्स को, इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन को, यानी किस तरीके कार से ये जरासीम मुंतकिल होते हैं और इसके कॉज ऑफ डिज़ीज़ को, यानी कि ये इलनेस प्रोग्रेस किस तरह करती है, इसके बारे में जो है कि हतमी राय कायम करने के लिए अभी जो है वो इसकी मोडालिटीज़ को स्टडी किया जा रहा है। एक ख़दशा ये भी जाहिर किया गया है कि क्या ये डिज़ीज़ चमगादड़ जो है, बैट्स, उनसे ओरिजिनेट की है, मे बी, बट इवन दैट इज़ समथिंग विच हैज़ नॉट बीन फाइनलाइज्ड एज ऑफ येट, और एट लीस्ट नॉट टू माई नॉलेज। हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछी गई कि जनाब इसकी क्या कोई मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है? अब तक टिल डेट इसकी कोई वैक्सीन प्रिपेयर्ड नहीं है या मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बिकम्स इज कि फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट जो है वो बुनियादी तौर पे सपोर्टिव है, सपोर्टिव मैनेजमेंट है, यानी कि अगर किसी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो उसको बुखार की दवा देना, एंटीपायरेटिक देना, सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो वो तमाम अद्वियात इस्तेमाल करना जिनसे कि सांस लेने की कैफियत जो है उसमें दिक्कत या कमी जो है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। और सो बेसिकली अच्छी फ्लूइड थेरेपी देना। तो बुनियादी तौर पे जो ट्रीटमेंट के तकाजे हैं जो अब तक इस्टेब्लिश हो सके हैं वो खालिसतन सपोर्टिव हैं,
हर किस्म की जो भी प्रॉब्लम या जो भी अलामत आ रही है उसकी अलामती इलाज है। इसकी कोई वैक्सीन अब तक मार्केट में अवेलेबल नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। सो बेसिकली हमने आज आपके साथ कोरोना वायरस के बारे में चंद फैक्ट्स शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि ये आपके काम भी आएंगी और आप इनको सर्टनली वाइल ये सारा सिनारियो चल रहा है जिसमें कि कोरोना वायरस की बाजगश्त है, इस दौरान अवॉइड गोइंग टू द मार्केट प्लेसेस जहाँ पे बहुत रश हो, अवॉइड गोइंग टू प्लेसेस जहाँ पे चरिंद परिंद की खरीदो फरोख्त होती है, फार्म एनिमल्स से और जंगली जानवरों की जहाँ पे मौजूदगी है कोशिश कीजिए, लाइक प्लेसेस लाइक अ ज़ू, अवॉइड गोइंग टू द ज़ू फॉर द टाइम बीइंग, अवॉइड गोइंग टू बर्ड मार्केट प्लेसेस फॉर द टाइम बीइंग, मास्क पहन के रखिए, हैंड हाइजीन अच्छी रखिए, अपनी पर्सनल हाइजीन बड़ी अच्छी रखिए, और जो एग्स और मीट इस्तेमाल कर रहे हैं उनको देखिए, मेक श्योर कि दे आर प्रॉपरली कुक्ड, रॉ ना हो बहुत ज़्यादा। सो मैं रिपीट ही कर रहा हूँ लेकिन जस्ट एम्फसाइजिंग ऑन द सर्टन वेरी बेसिक फैक्ट्स जो कि इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं, और उम्मीद रखता हूँ कि ये फैक्ट्स आपके भी काम आएंगे। थैंक यू।